आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा, उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2021 विवादों से घिरी हुई आती चली आ रही। दोस्तों शुरू से ही दोस्तों इस पर कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। दोस्तों अभ्यर्थियों का कहना है कि सर ये जो भर्ती है हमारी जिला लेवल पर ना कराई जाए और इसको जो कराया जाए मंडल लेवल पर कराया जाए। दोस्तों इसके लिए अभ्यर्थी हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन दोस्तों वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिली। यही कारण कि दोस्तों यूपी टीजीटी भर्ती 2021 में दोस्तों हर जगह से दोस्तों धांधलेबाजी की खबर नज़र आ रही है और कई जगह से दोस्तों कई हर सिटी से दोस्तों देश प्रदेश के कोने कोने से दोस्तों यही खबर आ रही है कि टीजीटी भर्ती 2021 में यहां से इतने साल भर गिरफ्तार किए गए हैं दोस्तों, यहां से पेपर आउट हुआ है और कई जगह दोस्तों अभ्यर्थियों ने इसका जमकर हंगामा किया है। जानेंगे दोस्तों क्या आपकी भर्ती कैंसिल होगी या फिर दोस्तों प्रति परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, सब की कराई जाएगी या फिर कुछ सेंटरों पर कराई जाएगी जहां पर दोस्तों नकल हुआ है, जहां पर पेपर आउट हुआ है, जहां पर सेंटर पर दोस्तों पेपर पहले से ही खुला हुआ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपको शुरू से जब से दोस्तों ये वैकेंसी कोर्ट में दोस्तों खींच रही है, हर केस से लेकर दोस्तों हर गिरोह तक की आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये एक खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रयागराज, कौशाम्बी व बेल्हा, ठीक है। यहाँ पर तीन जगह अलग अलग दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, जिसको आप बेल्हा को प्रतापगढ़ पर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10 महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2021 में सक्रिय सालभर गैंग के सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि कई काले जैसे थे जिसमें दोस्तों सालभर गिरोह बैठे थे और कहीं कहीं जगह दोस्तों डिवाइस लगाकर, कान में डिवाइस लगाकर अभ्यर्थी बैठे थे। कहीं कहीं महिलाएँ जो है बाल लंबे करके और उसके बाद कान में डिवाइस रखकर बैठी थी। और सबसे बड़ी बात तो दही दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों बच्चों का कहना है कि पेपर जहाँ हुआ तो उनको पहले तो लेट मिला है और जब पेपर लेट मिला उसके बाद दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ था, पेपर का जो सील होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी परीक्षा हो उसमें सील बंद पैक आता है पेपर, और जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है हर रूम में एक गर्ल्स और एक बॉयज़ को बुलाया जाता है ये देखने के लिए कि आप पेपर की सील आपकी खुली तो नहीं है। जब अभ्यर्थियों ने दोस्तों इसको देखा तो वहाँ पर उनको पेपर की सील खुली हुई मिली थी। इस पर दोस्तों कई जगह अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है और कई जगह परीक्षा का बहिष्कार किया है। अभ्यर्थियों का कहना है दोस्तों कि ये परीक्षा पूरी तरीके से अवैधनीय है और इसमें धांधलीबाजी हुई, परीक्षा को दोबारा करने की कृपा की जाए। वैसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस पर धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। अंबेडकर नगर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसके माध्यम से मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि वहां पर अभ्यर्थी खुलकर विरोध कर रहे हैं और डीएम साहब दोस्तों सफाई देते थकते नहीं हैं। डीएम साहब का कहना है कि अभ्यर्थी ये जो बहुत ज़्यादा तगड़ी चेकिंग होने के कारण अभ्यर्थी जो है परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके दोस्तों डीएम अपने साथ ले गए थे हिरासत में और उन अभ्यर्थियों का दोस्तों अभी भी धरना प्रदर्शन चालू है, उनकी तरफ से दोस्तों परीक्षा कैंसिल कराने की मांग चल रही है। आपका क्या राय है दोस्तों कमेंट सेक्शन भी मेंशन करना कि आप क्या चाहते हैं दोस्तों आपके सेंटर पर। वैसे दोस्तों मुझे प्रदेश के कोने कोने से लेकर दोस्तों चाहे मिर्जापुर हो, आपका इधर क्या कहते हैं हापुड़ हो और गाजियाबाद हो, अंबेडकर नगर हो, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो और मुरादाबाद हो, झांसी हो और वाराणसी हो, हर जगह से दोस्तों यही एक खबर आ रही है कि सर हमारे यहाँ पेपर लेट मिला है और पेपर दोस्तों पेपर की सील बंद नहीं थी, पेपर सील खुला मिला हुआ है। आइए दोस्तों एक खबर मैं दिखाता हूँ कौशाम्बी से। कौशाम्बी सरगना से पूछताछ में खुलासा, गिरोह में रेलवे इंजीनियर समेत 4 अन्य गिरफ्तार। दोस्तों ये प्रयागराज की खबर है, हर कोने कोने से मैं आपको सारी खबर दिखाऊंगा। दोस्तों ये भी प्रयागराज से है, पहली पाली में 84% उपस्थित रहे। जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि परीक्षा में कितने परसेंट प्रेजेंटेशन रही, तो अच्छी खासी प्रेजेंटेशन थी, 84% स्टूडेंट परीक्षा में उपस्थित रहे। पीजीटी वाले के लिए दोस्तों एक अच्छी न्यूज आ गई है, पीजीटी 2021 के परीक्षा पत्र प्रवेश पत्र यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ पेपर में लिखा गया है। आइए दोस्तों अगली खबर दिखाते हैं, टीजीटी सालभर गिरोह का भंडाफोर, 9 गिरफ्तार। एसटीएफ ने प्रयागराज और कौशाम्बी में कई कार्रवाई, 3 अन्य जिलों में 9 लोग पकड़े गए। तो दोस्तों कई जगह दोस्तों लोग पकड़े गए हैं और कई जगह दोस्तों पूरी भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों धांधली का आरोप लग रहा है। बहरहाल दोस्तों अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अगली न्यूज़ आती है दोस्तों लखनऊ से, टीजीटी भर्ती परीक्षा में आंसर शीट वायरल, चयन बोर्ड बोला फर्जी। तो दोस्तों कल एक वहाँ पर आंसर शीट वायरल हो रही थी दोस्तों टीजीटी भर्ती 2021 से संबंधित, जिसको आयोग ने सरे से खारिज कर दिया है और कहा था कि वो आंसर से जो वायरल हुई थी पूरी तरीके से दोस्तों
गोपुरी आंसर शीट एक प्रकार से दोस्तों नकली थी, ठीक है। टीजीटी में भर्ती परीक्षा में सालवर गंगा भंडा फोर 24 गिरफ्तार। दोस्तों ये भी प्रयागराज से है, हर जगह से दोस्तों कोने कोने देश के कोने कोने से एक ही खबर आ रही है कि टीजीटी भर्ती परीक्षा में इतने यहाँ से सॉल्वर पकड़े गए। दोस्तों सारे सॉल्वर नहीं पकड़े जा सकते, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों सालवर की बात अलग है। लेकिन दोस्तों प्रशासन क्या करता है, जब बच्चों का कहना है कि उनको पहले ही सील खुली हुई बुकलेट मिली है, इस पर क्या राय है दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन मेंशन करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।